तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। मैं बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, पता नहीं क्यों बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। भानु, तो अभी बच्चों ने अभी तक हमारा यहाँ का वेगस मॉल नहीं देखा था, तो अब हम लोग जा रहे हैं वेगस मॉल। और आज मैं सोच रही हूँ आपको ना पूरा वेगस मॉल एक्सप्लोर करके दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या ब्रांड्स है और आप कैसे आ सकते हैं, सब कुछ बताऊँ। तो चलते हैं अभी, क्योंकि बहुत बार मेरा वेगस मॉल का व्लॉग आया है बट हम हमेशा ही ना ऐसे ही मतलब जाते थे और घूम घाम के आ जाते थे। बट इस बार मैं ये सोच रही हूँ कि पूरे एक्सप्लोर करूँ और सब कुछ आपको क्लियरली एंड डीपली मॉल के बारे में बताऊँ। तो अभी चलते हैं हम मॉल, और प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना, आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इन बच्चों के साथ। हाय गाइस, तो ये हम लोग मॉल पहुंच गए हैं। हमारा घर देखो, ये जो लाइट है ना स्ट्रीट लाइट, इसी के नीचे हमारा घर है। तो हमें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है सिर्फ, और बाकी ये देखो, और मैकडोनल्ड है यहाँ पे, जिसे कि आप कार से भी टेक अवे ले सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर देके, ठीक है, और वहाँ से आपको मिल जाता है मैकडोनल्ड का। तो अभी आगे आगे और चलते हैं, फिर बताती हूँ। और आप यहाँ पे आ कैसे सकते हैं, आप यहाँ पे मेट्रो से आ सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे कि आप लोग द्वारका सेक्टर 21 की मेट्रो पकड़िए, और अगर आप द्वारका की मेट्रो पकड़ते हैं तो आपको द्वारका मोड़ उतर के उसी स्टेशन पे आपको दूसरी पीछे से द्वारका सेक्टर 21 की मेट्रो आएगी, उसमें बैठना है। या आप सीधा भी द्वारका सेक्टर 21 की मेट्रो पकड़ के द्वारका सेक्टर 14 पे आपको उतरना है, और उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉल है, तो आप लोग आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरा हमारा वेगस मॉल। और यहाँ पे सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ पे ना ऐसे फाउंटेन चलते रहते हैं। तो आप अभी तो खैर सर्दियाँ हैं, गर्मियों में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे नहा सकते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है, ये देखिए ऐसे फाउंटेन चलते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी मना नहीं करता, इनफैक्ट बच्चे इतना नहाते हैं कि पूरा ना वाटर पार्क का मज़ा लेते हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग जैसे दूर से आते हैं ना, तो वो वैसे बच्चे भी नहा लेते हैं, तो इनफैक्ट उनके पेरेंट्स ना कपड़े खरीद के लाते हैं मॉल में से और फिर पहनाते हैं, क्योंकि गीले हो जाते हैं। वैसे कपड़े नहीं है, नहीं तो अभी तो वैसे भी ठंड है ना, तो अभी कोई नहीं नहा रहा। आपने मेरे किसी पिछले ब्लॉग्स में जाके देखना, बच्चे बहुत नहाते हैं यहाँ पे, तो गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। देखो मस्ती कर रहे हैं। नहीं, तू तो बिल्कुल नहीं जाएगा। देखो गाइस, ये ना जाने के लिए जिद कर रहा है, ये अभी बीमार है। ब्रो बदतमीजी, नहीं जूते वगैरह सब गिरोगी ना। नहीं, अभी हम अंदर चल रहे हैं ना, तो अभी अंदर चलो। तो मैं तो अंदर ही जा रहा हूं खाना के। और बच्चों के लिए ऐसे राइस वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे, मैकडोनल्ड है, ये यहाँ जा सकते हैं। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है सब कुछ। यहाँ पे क्रोमा है, और मान्यवर है, और जोकी का है, जोकी है, और HP वर्ड है, ओरा का ज्वेलरी है, लुक्स है, सैलून नीचे ही है, कल्याण है, मालाबर है, ब्लू स्टोन शायद है। तो ये सब आपको यहाँ नीचे ही ग्राउंड लेवल पे मिलेगा। ये एक केमिस्ट है, हेल्थ किट, नूरुलाज है, टिम हॉर्टन्स है। और अब हम चलते हैं अंदर। अभी कर लेंगे ना। तो ये है जी हमारा एंट्रेंस वेगस मॉल का पूरा। तो ये देखिए एंट्रेंस, वेगस सेलिब्रेट लाइफ। तो यहाँ आपको एंट्रेंस में सबसे पहले चेकिंग के लिए मिलेगा मेल फीमेल। ये दोनों दिन हुई थी क्या, वो रामायण टाइप कुछ हुआ था ना, दोनों दिन दिवाली पे हुआ था। तो यहाँ पे ना देखिए, ये दिवाली के उपलक्ष्य पे राम दरबार लगा है, और यहाँ पे हमेशा ना थीम के हिसाब से कुछ ना कुछ लगता है, हमेशा थीम के हिसाब से ही लगता है यहाँ पे।
ये देखिए कितने सुंदर राम लक्ष्मण और सीते बैठे हैं, सीता माता बैठी हैं। और ये देख रथ, अब ये नहीं पता कौन सा, मैं भूल गई वो है ये। ये देखो आओ मम्मी ऊपर चले, ऊपर जाके फ्री का झूला। मम्मी हमें भी फ्री का झूला झूला दिया, देखते हैं चलेंगे। और आपको अंदर आके ही बहुत सारे आउटलेट मिल जाते हैं, बहुत सारे। एक्चुअली में यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आपको ना मिले। अगर आपको ब्रांड से शॉपिंग करते हैं और आपको कोई ऐसा है कि मुझे ये ब्रांड नहीं मिल रहा, इनफैक्ट दुबई के बाहर के जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप आइए और एक्सप्लोर कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी यहाँ पे आता है उनको सबको बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखा देती हूँ। ये तो पर्सेज है, कलेक्शन है। हाँ ये बाथ एंड बॉडी वॉक्स और डाइसन के अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा डाइसन। ये देखिए स्पोर्ट्स के लिए चाहिए आपको, कुछ भी आपको चाहिए आपको यहाँ पे सब मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे लिफ्ट से भी जा सकते हैं बट अभी हम लोग जा रहे हैं एस्केलेटर से। ये लोग बोल रहे हैं फ़ोटो खींचने को तो मैं इनकी फ़ोटो भी खींच देती हूँ साथ के साथ इसी में। मेरा ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अच्छा है, डायमंड नहीं है जर्कन है, पता नहीं हो भी सकता है डायमंड। क्रिसमस बना रहे हैं अभी, अब शुरू हो गया ना क्रिसमस। यहाँ पे स्टारबक्स भी है, आजकल स्टारबक्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। चलो भाई चलो, हाँ गिरेगा ये गिरेगा, चलो चल मानो। जूड़ा बना, जूड़े में मुझे इतना मजा आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए गाइस, हाय गाइस, हम यहाँ घूमने आए हैं, हम यहाँ पे घूमने आए हैं और हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। लुक इज, देखिए दिवाली के डेकोरेशन अभी तक हो रखी है बिल्कुल। तो अभी हम लोग ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे ही घूम रहे हैं और ये मॉल सही में, अरे 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 आंटी गिर मत जाना, गिर मत जाना, गिर मत जाना भगवान। फाइनली आंटी निकल गई। और यहाँ पे लाइफस्टाइल भी है, लाइफस्टाइल तो ग्राउंड फ्लोर से लेकर और पूरा थर्ड फ्लोर तक लाइफस्टाइल है। हर फ्लोर पे इसका अलग अलग है, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, सब एलन सोली आ गया यहाँ पे, यहाँ पे एरो आ गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर। ध्रुव और केशव को इतनी जल्दी हो रही है ना हैमलेस में जाने की कि बिल्कुल पागल हो रखे है। नमस्कार तो अब आ गए हम लोग सेकंड फ्लोर पर। कुछ कुछ आपको वीडियोस में दिख जाएंगे आउटलेट, और कुछ कुछ के मैं नाम बता दूंगी, सबके मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे हैं। जैसे अभी सामने ही है मेरे मोची वेन्यू स्टेप, अभी शायद कब कलीस की ओपनिंग हुई है, बीबा सोच, इतने तो मैंने गिनवा दिए। तो अभी अभी हम लोगों को जाना है थर्ड फ्लोर, इन बच्चों को हो रही है जल्दी। आ बेटा देखिए साड़ीज कलेक्शन, बच्चे ना ढूंढ रहे पजामा।
गाइस और ब्रेड यहाँ पे आप नेल एक्सटेंशंस करवा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, मेरी मासी नट्स वगैरह। चलो ना बनाई रही हूँ की बना। थर्ड फ्लोर पे पूरा फूड कोर्ट, सारे आउटलेट यहाँ पे है, सारे। और काफ़ी सिटिंग एरिया भी है यहाँ पे, और मतलब काफ़ी रश रहता है यहाँ पे फूड कोर्ट में ना हमेशा। चलो इनको जल्दी लग रही है हैमलेस में जाने की, बदतमीजों को। इनको हैमलेस जाना और यहाँ पे है फन सिटी, तो फन सिटी में तो अभी हम जा गए फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर पे है यहाँ पे किड्स जोन, हैमलेस है और फन सिटी है। और फिफ्थ फ्लोर पे सारे रेस्टोरेंट है, तो सारे रेस्टोरेंट्स हैं मतलब वहाँ पे। जैसे आप बर्थडे पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी आ सकते हैं। तो फिफ्थ फ्लोर पे सारा वो है, ये है फन सिटी पूरा। मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखा दूँगा। बच्चों का प्ले जोन यहाँ पे है, बच्चों को लाओ और इसमें आप अपना मॉल घूम लो और बच्चों को यहाँ एक दो घंटे के लिए छोड़ दो, तो लोग होते हैं संभालने के लिए बच्चों को, बाकी अपना बच्चा इसमें टाइम स्पेंड करता रहेगा, आप लोग अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये फन जोन भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए, मैं भी गई हुई हूँ उसमें। तो अब हम लोग चलते हैं हैमलेस में, तो थोड़ा हैमलेस में लोग रिकॉर्ड करने देते नहीं हैं, अगर रिकॉर्डिंग का हुआ तो करती हूँ, अदरवाइज बच्चों को बुला लाऊँ। ये लोग कहाँ चले गए भानु, आ जाओ भाई। ये हमारा हैमलेस कैसा रहा, यहाँ पे हर तरीके की गेम्स मिल जाएगी आपको, ये ट्राई करूँ कर पाओगे? हाँ कर पाऊंगा। चलो देखो, ये स्केट बोर्ड चलाने में लग रहा है, ये स्कूटर। बैग के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, एंड पर्सन वियर। इसके प्लेस तेरे शहरी का कुत्ता यहाँ नहीं। ये बाथरूम है, ये किचन है, ये सोफा है, अभी अभी नहीं, ये सोफा है। यहाँ से हम चढ़े सीढ़ियाँ, ये है हमारा बेडरूम, ये बंक बेड है, ये अलमीरा, ये क्लोथ रखने के लिए, ये बुक्स, और ये हमारा पूरा हाउस। अच्छा ये सेकेंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर और ये है ग्राउंड फ्लोर। तो मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये कुछ ऊपर से ऐसा लग रहा है, और ये रेस्टोरेंट वगैरह का कैसा है, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं खुद फर्स्ट टाइम फिफ्थ फ्लोर पे जा रही हूँ रेस्टोरेंट एरिया में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ कैसा है, क्या क्या इसमें आउटलेट्स है। तो सबसे पहले आ गया ये रेस्टोरेंट्स, तो ये यहाँ पे है, ये द्वारका, द्वारका का कोई नया है। बाकी ये स्मोकिंग जोन भी बनाया हुआ है, तो यहाँ का बारबेक्यू नेशन, और ये बारबेक्यू तो बहुत अच्छा है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगी।
ये ढाबा। वाह तो ये कुछ इस तरीके से है, पूरा फॉरनर टाइप लग रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे ही। ये दीदी गिर गई है मॉल में और ये देखो खून निकल गया, कट कट पड़ गया, ये यहाँ से फिसल गई। सब चले गए एक मिनट में ना, सब चले गए। तो ये इतना सुंदर सा ट्री था और हम इस पर रील्स बना रहे थे और एकदम ये गिर गई। और तो कहीं नहीं लगी ना हड्डी हड्डी में, चला हाँ वो फिसली है तो तेरा ना बैलेंस नहीं बना। तो आई होप सो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया होगा और अभी हम लोग जाएंगे घर। हाँ तो आपको यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि हमें बनानी है थोड़ी सी रील्स इंस्टाग्राम के लिए। आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारी रील्स देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा मॉल का ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज पूनम एंड थ्रो एंटरटेनमेंट। बाय।